अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल प्रैक्टिकल टेम्परेचर स्केल क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपका हमने यूज़ किया था कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस थर्मोमीटर, उसकी हेल्प से हमने देखा कि मिनिमम एरर आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो कैलिब्रेशन है वो स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत छोटे टेम्परेचर की भी वैल्यू अगर आप चेक करना चाहो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट मीन्स सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है आपके इस सिस्टम की, जो कि थर्मोमीटर है आपका, आइडियल गैस थर्मोमीटर। अब किसी भी गैस थर्मोमीटर का तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वाटर का अगर आपको जो टेम्परेचर है वो निकालना है, तो ये तो है नहीं कि आप जो बड़ा सिस्टम होगा आपके पास, जो जिसके अंदर आप वॉल्यूम मेजर करते हो, कॉन्स्टेंट आइडियल गैस होगी उसके अंदर, सो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो आपका थर्मोमीटर है उसका यूज़ करोगे आप हर बार, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो हमें कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा जिससे हम वहाँ से जो वैल्यूज आने वाली हैं उसके क्लोजली वैल्यू हम मेज़र कर पाएँ, वो भी किसी दूसरे मेथड से, जो हमने देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल जो लिक्विड थर्मोमीटर होता है या फिर किसी और तरीके के थर्मोमीटर हैं जो इजी रहे यूज़ करने में। सो इसके लिए हमने क्या किया, कैलिब्रेशन, हमें पता है कैलिब्रेशन का तो यूज़ करना पड़ेगा, बट कैलिब्रेशन कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो जो अपना जो आइडियल गैस थर्मोमीटर है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, उसका यूज़ करके हम जो प्रैक्टिकल थर्मोमीटर है वो कैसे बनाएंगे। सो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, वी विल फाइंड आउट 11 पॉइंट्स। ये होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11 पॉइंट हम क्या करते हैं, 11 पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। वी विल फाइंड आउट 11 टेम्परेचर पॉइंट्स यूजिंग आइडियल गैस थर्मोमीटर। सो आइडियल गैस जो थर्मोमीटर है उसकी हेल्प से हमने क्या किया, 11 पॉइंट्स फाइंड आउट किए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज पे, कितना उसका यू कैन से प्रेशर इंक्रीज करता है या जो भी चीजें हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट आता है इसका, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन मेथड का यूज करेंगे। इंटरपोलेशन मेथड होता क्या है कि सपोज आपके पास एक्स और वाई डायरेक्शन, आपके पास एक ग्राफ है जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। सो हम क्या करते हैं कि एक तरीके का रिलेशन बनाते हैं एक तरीके से, जिसके अंदर क्या है कि आपका जो इंटीजर है, एक अज्यूम कर लेते हैं एक्स इंटीजर है, सो एक्स की टर्म्स में कि कितनी पावर्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक्स के यहाँ पर कुछ ए होगा, प्लस यहाँ पर, प्लस यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट, सपोज यहाँ पर कैपिटल ए है, प्लस यहाँ पर आपका बी एक्स स्क्वायर है, प्लस सी एक्स क्यूब है, कुछ इस तरीके से जो रिलेशन आता है ना, क्वाड्रेटिक रिलेशन है एक तरीके से। सो ये जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनेगी उन पॉइंट्स की, कि यहाँ पर वाई का वैल्यू होगा ना, वाई का वैल्यू है वो एक्स के, एक्स से कैसे रिलेटेड है, एक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं इंटरपोलेशन मेथड की यूज से, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हों। और हम तीसरा पॉइंट हम ध्यान ध्यान क्या रखते हैं कि जो मिनिमम एरर है वो आनी चाहिए इंटरपोलेशन में। सो हम कुछ ऐसे मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर 11 पॉइंट्स कि आपका जो इस कर्व से जो एरर है वो क्या हो, मिनिमम हो। सो हमारे पास एक फंक्शन मिल जाता है कुछ इस तरीके का। अब ये फंक्शन अगर हमें मिल जाए, सो हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन से कैलिब्रेट करेंगे किसी दूसरी क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल, हमने एच जी का वॉल्यूम जो है उसको हमने इस फंक्शन के साथ कैलिब्रेट किया। कैलिब्रेट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इतने टेम्परेचर पर आपका इस वाई का वैल्यू इतना था। सो
इस फंक्शन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा वाई का, ओके। सो हमारे पास एक सेट मिल जाएगा टोटल, ओके। और हर वैल्यू पर उसी तरीके से हम चेक करेंगे कि आपका वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है एच जी का, ओके। सो उसके हिसाब से कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 डिग्री सेल्सियस पर सपोज एक्स अपना वॉल्यूम चेंज हुआ, ओके, और हम नोट करेंगे कि कितना कोरेस्पोंडिंग इसके कोरेस्पोंडिंग कितना वेरी हो रहा है, वो लीनियरली वेरी होगा, ओके। सो इस तरीके से जो क्या है इंटरपोलेशन मेथड की यूज से हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एरर का जो कंडीशन है उन पॉइंट्स के बीच में वो हम क्या करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब वाली टर्म्स तो जीरो ही हो जाएंगी, बिकॉज हमने पहले ही चेक कर चुके हैं कि जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके का होगा कि आपका लीनियर जो रिलेशन है वो बनना चाहिए, ओके। सो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। सो इस तरीके का जो फंक्शन है वो हमें मिलेगा और इसके साथ कैलिब्रेट करेंगे जो वॉल्यूम है एच जी की सपोज, उसको कैलिब्रेट करके हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल थर्मोमीटर बना दिया। इट मींस हमें बार बार जो थर्मो जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है उसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास एच जी जो यू कैन से लिक्विड थर्मोमीटर है वो है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं ईजिली, ओके। सो इसको सबसे पहले बनाया गया था जो आपका इंटरनेशनल प्रैक्टिकल टेम्परेचर स्केल है, इसको 1927 में सबसे पहले बनाया गया था, ओके। और आज के टाइम हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 1990 में क्या किया गया, एक तरीके से थोड़ा इम्प्रूव किया गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल, ओके। सो इसको हम टेम्परेचर इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके एलिमेंट हैं वो किस किस यू कैन से रेंज के लिए वैलिड हैं, किसको एक तरीके से कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल के हिसाब से। सो जो कैलिब्रेशन है उसकी हेल्प से हमने जो भी एक तरीके से जो थर्मोमीटर जो डिजाइन की थी उनको देखते हैं। सो इसके अंदर आपका 0.65 केल्विन टू 5 केल्विन के लिए हमने क्या किया, सैचुरेशन वेपर प्रेशर थर्मोमीटर उसका यूज़ किया, ओके। और हीलियम 3 जो है और 4 हीलियम, इनका रेंज है 0.65 केल्विन टू 3.2 और इसका 2.1768 इंटू 5 केल्विन, ओके। ये हमने यहाँ पर क्या है ब्रैकेट्स में क्या है रेंज लिखा हुआ है इसका, इस तरीके से इस रेंज के लिए जहाँ पर 3 केल्विन टू 24.55 केल्विन है यहाँ पर हमने क्या किया, इनका यूज़ किया बट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है अब की बार, ओके। अब नेक्स्ट आता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसके अंदर क्या है 13.80 जो है केल्विन है से लेकर इस रेंज तक जो 12.34.93 केल्विन है ना, उस रेंज तक हमने क्या किया प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर किया। उसी तरीके से क्या है ऑप्टिकल पायरोमीटर आता है, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इनको थर्मोमीटर्स को ज़्यादा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर रेंज के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर है वो हमने यूज़ करके क्या है प्रैक्टिकली एक तरीके से जो वैल्यू होता है वो हमने क्या है फाइंड आउट किया।